अभी आपको बताएं, अमेरिका ने दुनिया भर के लोगों पर अपने दरवाजे बंद कर दिए। ट्रंप ने इमिग्रेशन पर पाबंदी लगा दी, वीजा दरखास्तों पर कार्रवाई भी मुअत्तल कर दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। बड़ी तादाद में जानी और माली नुकसानात और अमरीकियों की बेरोजगारी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इंतजामिया को हिला कर रख दिया। इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में इमिग्रेशन पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हम देखे दुश्मन के हमलों के पेश नजर और अजीम अमरीकियों की मुलाजमतों के तहफ्फुज़ की खातिर वो मुतहदा अमरीका में इमिग्रेशन को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने जा रहे हैं। अमरीकी हुकूमत ने वीजा दरख्वास्तों पर कार्रवाई भी मुअत्तल कर दी, जबकि अमरीका का पनाह देने का निजाम गुज़िश्ता माह से बंद पड़ा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सूबे सेहत से ताल्लुक रखने वाले इमिग्रेंट्स पर इस पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। अमेरिका में इस वक्त 2,20,00,000 अफराद बेरोजगार हो चुके हैं और कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने की कोशिश में 13% मुलाजमत पेशा अफराद काम से निकाले जा चुके हैं।